तारीख का हिस्सा थे, लेकिन तारीख हुक्मरानों की लिखी जाती है, कारिंदों की तारीख नहीं लिखी जाती। हुजूर, हमारे वास्ते कुछ काम ना होगा? तुम भी अजब बातें करते हो काले खां। अगर तुम्हारे जिम्मे कोई काम ना होता तो तुम्हें यहाँ बुलाया ही क्यों जाता? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शहजादे, क्या ये हमारे यहाँ का ही काम है? जी हजूर, जापना ये लखनऊ के कारीगरों का काम है। उनकी हर अदा पर हर शख्स जो वहाँ मौजूद होता अपना सर झुकाकर यही कहता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही कहना होता। दरोगा साहब बिल्कुल ठीक ठाक चले आ रहे हैं। ठीक ठाक चले आ रहे हैं क्या मतलब है? अरे भाई, शेरनी के पास गए थे, कुछ भी हो सकता था। एक बार तुमसे चूक होते होते बची, मैं तो डर ही गया था। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुमने बात बिगड़ने ना दी। अरे फलकारा शहजादी भाई, तुम्हारे अब्बू आ गए हैं। अरे भाई, फलकारा शहजादी कहाँ है? अरे भाई, किसी ने फलकारा शहजादी को देखा है? कोई कह रहा था कि फलक, अरे हम तो डर गए भाई। ओहो, ये है हमारी फलकारा शहजादी। आओ, आप हमारे पास यहाँ बैठो, ठीक है? हाँ। और भैया, हो गए सारे काम खैर से पूरे? सुल्ताने आलम आए थे बाग में, सारे पंछियों को पिंजरों में मुंतकिल किया गया। गुड़ सत्तू खाया या मियाँ सुबह से भूखे ही हो? अरे भाई, सांस तो ले लो, एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ, आखिरी सवाल का जवाब ये है कि गुड़ सत्तू खाने का होश ही किसे था? और हाँ, वो जो तुमने पोटली दी थी बना करके, वो भी ना जाने कहाँ रख दी। अल्लाह, मतलब कि तुम सुबह से ही भूखे हो? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं रोटियां डाल देती हूँ। दाल चावल तो मैंने पका दिया है। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ देर बाद खाने के वक्त खाऊंगा। शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाँ, क्या सुल्ताने आलम आए थे वहाँ? हाँ हाँ, बहुत देर तक वो इसी पिंजरे के पास खड़े रहे। अरे इतनी ही दूर, जितनी दूर तुम हो मुझसे। अरे इतने करीब से देखा हमने सुल्ताने आलम को। अरे उन्होंने बड़ा चमकदार लिबास पहन रखा था, कैसी कैसी अंगूठियां पहन रखी थी। अरे उनके जिस्म से क्या खुशबू आ रही थी। अरे उनका तो जूता भी इतने दाम का था कि उससे एक शहर आबाद हो जाए। कुछ समझी तुम? और तुम क्या समझोगी? जिसने उन्हें देखा नहीं वो क्या समझे? अरे मेरी तो निगाह ही नहीं उठ पा रही थी कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मियाँ, तुम बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें सुल्ताने आलम के दीदार हो गए। मियाँ, कितने ही लोग इस लखनऊ शहर में पैदा हुए और मर गए, लेकिन सुल्ताने आलम का दीदार ना कर सके। मियाँ, तुम बड़े नसीब वाले हो। अब किस्मत की बात तो अल्लाह जाने। मुझे तो इतना मालूम है कि सुल्ताने आलम के चक्कर में मैं सत्तू से हाथ धो बैठा। अरे भाई फलकारा, कहाँ हो? अरे भाई, तुमको एक बात बतानी थी। और इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी। अरे मार डाला। तुम हमारी सारी बातें सुन रही थी, तो क्या सुना आपने? सुल्ताने आलम की बातें कर रहे थे आप, बताइए ये सुल्ताने आलम क्या होता है? आहिस्ता बोल मेरी बच्ची, सुल्ताने आलम होता नहीं, होते हैं। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं कि सुल्ताने आलम क्या होता है? तुम यूं समझ लो कि वो सब जगह के मालिक है, ये पूरा शहर उनका। तो वो क्या अल्लाह मियां है? नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह मियां पूरे दुनिया के मालिक हैं, और सुल्तान आलम लखनऊ और अवध के मालिक हैं, हमारे राजा हैं। अच्छा, तो राजा को सुल्तान आलम कहते हैं। भाई तुम बाप बेटी आपस में बातें करो,
मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। अरे हमें आपको एक बात बतानी थी। पता है क्या, हमारे सुल्ताने आलम के पास बहुत सारे परिंदे हैं और बहुत सारी मैनाएं हैं। अच्छा, उनके पास इतनी सारी मैनाएं हैं? हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगी। वो इतनी सारी मैनाओं का क्या करेंगे? उनके पास तो हाथी, शेर, घोड़े सब है। पर फलाकारा शहजादी, मुझे आपको ये बात बतानी थी कि उनके पास तमाम मैनाएं हैं और तमाम मैनाओं के अलग अलग नाम है और उसमें से एक नाम फलाकारा भी है। अरे सुल्ताने आलम को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? जरूर आपने बताया होगा। अब्बा जी, अच्छी बात नहीं, आपने सुल्ताने आलम को हमारा नाम क्यों बताया? अरे भाई, फलाकारा नाम सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं हो सकता है, वो तो और किसी का भी हो सकता है। हाँ जी, फलाकारा तो हमारा ही नाम है और किसी का नहीं। हमने तो ये किसी और का नाम सुना नहीं। अच्छा, इस मैना को बोलना आता है? भाई अब ये तो कल ही पता लगेगा कि किस किस मैना को क्या क्या आता है। आप तो बस ये फलाकारा को घर ले आइए, मैं उसे बोलना सिखाऊंगी और नए नए गाने भी सिखाऊंगी। आपको खबर भी है कि वो एक पहाड़ी मैना है? सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। हम भी तो इतनी दिनों से पहाड़ी मैना के लिए आपसे बोल रहे हैं। अब्बा जी, हमको फलाकारा पहाड़ी मैना चाहिए। अब्बा जी, हमारे लिए लाओगे ना फलाकारा पहाड़ी मैना? अल्लाह मालिक है मेरी बच्ची। अब्बा, अभी तो तुम कह रहे थे सुल्ताने आलम मालिक है। अब्बा, तुम झूठ बड़ा बोलते हो। मेरी बच्ची। हाँ तो मियाँ साहेबजादे, हमारे नाना काले खां को ताउसी चमन के उस इजादी कफस से एक अजब सा रिश्ता हो गया था। वो पहाड़ी मैनाओं को सुबह शाम दाना पानी देना उनका एक मामूल सा बन गया था। ताउसी चमन के उस वसी इजादे कफस में जहां 40 नादिरों नायाब पहाड़ी मैनाएं अपने मुनफरिद अंदाज में चहका करती थी, उनका दीदार कौन किया करता था? एक शाही हुकुम के तहत यह सब होता चला गया। एक 4 मंजिला जिन्नाती कफस तमाम आराइशों के बाद बनकर तैयार हुआ और एक शाही हुकुम के मुताबिक उसमें 40 मैनाएं भी दाखिल कर दी गई। अब शाहे अवध को इतनी फुर्सत कहां कि वो सुबह शाम आकर उसका दीदार करें, लेकिन हाँ, शाही महल्लात की बेगमात, लड़के लड़कियां यानी शहजादे शहजादियां और शाही मेहमान उसे देखने आया करते थे और जो उसे देखता वो उस कफस को बस देखता रह जाता। चूंकि आपके नाना काले खां उनके इतने करीब थे तो वो तो उनसे मानूस हो गई होंगी। मेरे ख्याल से जरूर मानूस हो गई होंगी और उनका मानूस होना फितरी भी है। एक रोज बाग में सन्नाटा था, शाम का वक्त था, नाना कफस के अंदर मौजूद थे, माली हजरात भी अपने घरों को रवाना हो चुके थे। नाना मैनाओं के दाना पानी से फारिग होकर उन्हें गौर से देख रहे थे। मैनाओं के पोटे भरे हुए थे, वो उड़ रही थीं, परवाज कर रही थीं, तरह तरह की बोलियां निकाल रही थीं और अब फलक आरा भी उनसे मानूस हो चुकी थी और अब वो धीरे धीरे उनके करीब जाते और अपनी उंगलियों से उनकी गर्दन को सहलाते और ये महसूस करते कि उनकी इस हरकत से फलक आरा खुश हैं। एक दो बार आजमाने के लिए उन्होंने उसे पकड़कर भी देखा। इस पर फलक आरा ने शोर मचाकर कोई एहतजाज नहीं किया। इसका मतलब है कि पहाड़ी मैनाएं आपके नाना से इतनी हिल मिल गई थी, इतनी मानूस हो गई थी कि वो इनके करीब आकर भी अपनायत महसूस करने लगी थी। लेकिन गजब खुदा का, वो जब भी फलक आरा को छूते या सहलाते
तो अपनी फलाकारा उनसे शिकायत करती नजर आती। अरे भाई फलाकारा कहाँ है? अरे भाई शहजादी फलाकारा कहाँ है? अरे भाई किसी ने शहजादी फलाकारा को देखा है? कोई कह रहा था कि अभी अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले शहजादी फलाकारा को देखा था। भाई जिसने भी फलाकारा शहजादी को बच्ची कह रखा है बाजार में जैसे ही पहाड़ी मैना आएगी हम आपके लिए ले आएंगे। हमें बाजार की पहाड़ी मैना नहीं चाहिए। अरे आपको बाजार की पहाड़ी मैना नहीं चाहिए तो फिर आपको कौन सी मैना चाहिए? हमें वो मैना चाहिए जिसके साथ आप पूरे पूरे दिन बातें करते हैं और जो आपकी दोस्त बन गई हो। अब्बा जी हमें ला दो ना शाही पिंजरे की पहाड़ी में ना। मेरी बच्ची ये काम इतना आसान नहीं है। तो फिर जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे। रोज रोज कहते हो मैं ना ला के देंगे पर कभी नहीं लाते हो। रोज झूठ बोलते हो। मेरी बच्ची हम आपको मैं ना जरूर ला करके देंगे। सच में? हाँ बिल्कुल सच्ची। ये हमारी मैना। काले खां मासूम बिन माँ की बच्ची पर क्यों जुल्म करते हो? वो रोज तुमसे एक उम्मीद बांधती है और तुम रोज बारोज उसे मायूस कर देते हो। तुम्हारी वजह से उसका यकीन टूट रहा है। अपनी इस कदर प्यारी बच्ची का इतना सा अरमान भी पूरा नहीं कर सकते। अरे इस कफस में 40 मैनाएं हैं जिन्हें एक साथ गिन पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस कफस से एक जानवर कम हो भी गया तो किसी को क्या खबर होगी? बिन मां की उस मासूम बच्ची का दिल क्यों दुखाए जाते हो? तुम्हारी ये बेरहमी बच्ची के मासूम जहन पर बुरा असर डाल रही है जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अपनी औलाद के लिए वालिदान क्या क्या कुछ नहीं कर गुजरते। दुख है तुम पर। हाँ बजा फरमाया आपने। मैं भी यही समझता हूं कि इन हालात में किसी भी बाप के लिए अपनी औलाद की खातिर अपने आप को रोक पाना काफी मुश्किल मरहला होता है। जाहिर है वो ताऊसे चमन में एक मामूली मुलाजिम थे लेकिन इसके अलावा एक निहायती मासूम बच्ची के बाप भी थे। मुलाजमत की जिम्मेदारी और बच्ची के प्यार की कश्मकश की भंवर में वो फंस गए। उसकी गिरफ्त में आ गए। उन्होंने ताऊसे चमन का जायजा लिया और जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गए कि अगर ताऊसे चमन से एक मैना चुरा भी लें तो उनकी चोरी कभी पकड़ी न जाएगी। जाहिर है ऐसे में रोजाना उन्हें आजमाइश से गुजरना होता होगा। जी हाँ साहेबजादे। एक दिन ऐसा आया जब मुलाजमत अपने फर्ज से गाफिल हो गई और बाप का दिल पिघल गया। पहाड़ी मैना फलाकारा उनके करीब आकर के बैठ गई। उंगलियों से उन्होंने उसकी गर्दन सहलानी शुरू की और एक निगाह से जायजा लिया कि ताऊसे चमन पर उन पर कोई दूसरा तो निगाह नहीं रख रहा है।
उनके मन में बुराई आ गई और गर्दन सहलाते सहलाते उन्होंने फलाकारा को अपनी मुट्ठी की गिरफ्त में कर लिया और फौरन उसे अपने कुर्ते की लंबी जेब में छिपा लिया। जाहिर है आपके नाना ने जो भी किया अपनी बच्ची की मोहब्बत के लिए किया। अब ऐसे में गुनाह या अजाब जहन में ऐसा ख्याल आता ही कहां है? क्योंकि आदमी बुनियादी तौर पर शरीफ थे, लिहाजा अपनी इस हरकत पर पशिमान थे। उनके जहन में बार बार ये बात गूंज रही थी कि काले खां ये क्या कर डाला, बादशाही परिंदे की चोरी कर डाली। बेशक आप सही फरमा रहे हैं। काले खां, ये क्या गजब किया? शाही अमानत में खयानत कर डाली। बच्ची को बातों से भी बहला सकते थे, अरे उसे कोई और खिलौना दिलवा सकते थे। क्या तुम इस शाही परिंदे का नाज उठा सकोगे? और खुदा ना खास्ता बात खुल गई तो सुल्ताने आलम के गजब की आप ना ला सकोगे। भाई होश की दवा करो और उल्टे पांव जहां से परिंदा लाए हो वहीं पहुंचा दो। कहां सुल्तान आलम और कहां उनका एक मामूली सा मुलाजिम? काले खां, ना तुम्हें अपना ख्याल है और ना ही तुम्हें दरोगा नबी बख्श की इज्जत का ख्याल किया, जिसने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर तुम्हें ताउसे चमन में मुलाजमत दिलाई। अमानत में खयानत, तौबा तौबा। नहीं नहीं, इस वक्त लखी दरवाजे से लेकर ताऊ से चमन तक के सिपाही और पहरेदार बदल चुके होंगे। मुमकिन है कोई मेरी तलाशी ले ले और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊं। या खुदा, मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूं। ना आगे बढ़ा जाता है ना पीछे हटा जाता है। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। मिया, ऐसा खैरियत से तो है ना? हैं? अरे भला बताओ कितनी देर हो गई? सुबह निकले थे और रात को पहुंचे हो। बच्ची कब से राह देकर सो गई? वक्त बताए कितना हुआ है? फलाकारा सो गई है। मिया, तुम्हें पता भी है वक्त कितना हो गया है? गली में सन्नाटा पसरा पड़ा है। बच्ची कब से राह देख रही थी तुम्हारी? जुमेराते की अम्मा, खाना तो लगा दो। हाँ हाँ लगाती। मिया हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकाल रही हूँ। खाना निकाल कर रख दो, मैं आता हूँ। भाई खाना निकाल कर रख दिया है,
अगर हाथ मुंह धो लिया हो तो आकर खा लो, मुझे नमाज को देर हो रही है। तुम नमाज पढ़ लो, मैं खाना खा लूंगा। वाह, शहजादी फलाकारा को पक्का यकीन था कि आज सचमुच उसकी मैना आने वाली है। तभी तो रोटी के टुकड़े भिगो कर रख दिए और हाँ पानी भी रख दिया। अरे वाह, कैसी रंग बिरंगी चीजों से सजा भी दिया है। अब जब वो सुबह उठकर इसे देखेगी तो उसे यकीन ना होगा कि उसकी अपनी पहाड़ी मैना उसके अपने आंगन में है। ताऊ से चमन के इजादी कफस में कितनी मैनाएं हैं किसको पता लगता है, 40 या 39? हाँ मेरी फलाकारा शहजादी, मेरी फलाकारा शहजादी, मेरी फलाकारा शहजादी। या मेरे मौला, या मेरे मौला, या मेरे मौला। प्यारी फलाकारा शहजादी, देखो हमारी पहाड़ी में आ गई। हाँ, अरे भाई ये कब आई? अभी अभी आई। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है फलाकारा। मेरा नहीं, इसका। इस प्यारी मैना का नाम है मैना। नहीं भाई, मैना तो खुद ही है। अरे भाई, इसीलिए तो इसका नाम मैना है। लेकिन अब्बा जी, इस मैना का नाम क्या है? अरे भाई, सब मैनाओं का नाम मैना ही होता है। हाँ। मेरी फलाकारा शहजादी। अब्बा जी, वे हमसे कितनी सारी बातें कर रही हैं। सच्ची? पर भाई, आपकी ये मैना हमसे तो कोई बात नहीं करती है। आप तो भी उससे बात नहीं कर रहे हैं, वे वो आपकी शिकायत कर रही है। अच्छा, आपकी ये पहाड़ी मैना हमारी शिकायत आपसे कर रही है? क्या शिकायत कर रही है भला? कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा तुमसे बातें करते हैं, तुमको चाहते हैं, हमको नहीं चाहते। अच्छा, पर उसको उसकी बहन तो चाहती है। किसकी बहन? भाई, फलाकारा शहजादी, और कौन? है खुदा की शान, रात में तो पिंजरा खाली था, इस वह ये मैना कहां से आ गई? बुआ बुआ, आपने देखा हमारे पिंजरे में कितनी प्यारी पहाड़ी मैना आई है। लेकिन रात को तो ये पिंजरा खाली था, इसमें ये मैना आई कहाँ से? ये अपने आप आ गई हमसे दोस्ती करने, कितनी प्यारी है ना बुआ।
हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्यारी है। लेकिन रात में तो इस पिंजरे में मैना का नामो निशान तक नहीं था, और जब मैं सुबह फजर के लिए उठी तब भी इसमें मैना मौजूद नहीं थी। मिया, ये किस्सा है क्या? वो अक्सर तुमने लोगों को कहते सुना होगा, अल्लाह दे बंदा ले, ये वही किस्सा है। अल्लाह दे।